जैन दोस्तों, मैं रणधीर गोरखपुर उत्तर प्रदेश से अधीर एग्रीटेक के आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हमने अपने कोई को हार्वेस्ट किया है और बहुत ही शानदार रिजल्ट है। दोस्तों, आपको देख के ताजुब भी होगा कि हमने इसमें 350 ग्राम तक की मछलियाँ निकाली हैं। कोई को अभी तक किसी भी यूट्यूब पर आपको इस तरह के ग्रोथ का वीडियोज़ नहीं मिलेगा कि बायोफ्लॉक में किसी ने कोई को 300 ग्राम प्लस किया हो। अक्सर आपने देखा होगा, मैंने वीडियो में कुछ लास्ट वीडियो में बताया है कि जो मैंने टैंक का अपडेट दिया था कि हमारी इसमें 50 ग्राम से 150 ग्राम तक के बच्चे हैं, जो साइज़ हो गया है वो 150 ग्राम तक का हो गया है। लेकिन जब हमने इसमें से हार्वेस्ट किया है, आप वीडियोज़ में अभी मैं डालूँगा उसको देखिएगा, जब हार्वेस्टिंग का वीडियो है उसमें हमारे पास जो मछलियाँ कुछ मिली है हमको 300 ग्राम प्लस की भी मिली हैं। सभी नहीं, सभी मछलियाँ तो होती नहीं है, जो कहता है वो आपको गलत बताता है। हमने इसमें से पार्सल हार्वेस्टिंग किया है। पार्सल हार्वेस्टिंग का मतलब है कि जो बड़े साइज़ की फ़िशेस थी उनको निकाला है, बाकी जो छोटे हैं या 100 ग्राम से नीचे थी। पहला तो मेरे दिमाग में ये था कि हम लोग जो हार्वेस्ट करने के लिए सोचे थे कि 100 ग्राम से ऊपर की मछलियों को बेचेंगे, लेकिन जब हमने साइज़ देखा तो फिर हमने इसको कम कर दिया है और 150 ग्राम से ऊपर की मछलियाँ अभी इसमें पड़ी हुई हैं। कुछ छोटी भी हैं, 20-25 ग्राम की, 1-2% भी हैं, वो कभी नहीं बढ़ेंगी। अब वो कितना खिलाते रहिए वो नहीं बढ़ेंगी, जिस साइज़ में लाया था लगभग उसी साइज़ में है। और जो हमारा इसमें अभी तक एवरेज वेट देखा जाए तो 100 ग्राम के बच्चे इसमें ज़्यादा हैं बचे हुए हैं। अभी हमने केवल 50 किलो मछली को निकाला है और जो उसमें साइज़ है वो ज़बरदस्त है। दोस्तों, आप वीडियो में देखिएगा, अभी शानदार ग्रोथ मिला है। 300 ग्राम प्लस करना, पाँचवा महीना हमारा चल रहा है स्टॉकिंग का। 10 बढ़ती नहीं करवा भी जाता बनाओ तो भैया हो। मैं सर ही मराता है। हाँ, क्यों 350 ग्राम? 350। और जो लोग कहते हैं कि बायोफ्लॉक में ग्रोथ नहीं होता है, ये उनको भी बताएगा कि बायोफ्लॉक में बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। बस आपको करना आना चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए बायोफ्लॉक करने की। ग्रोथ मिलने का एक रीज़न और भी मुझे समझ में आया, क्योंकि हमारे पास सीट कम था, 4000 बच्चे, जबकि एक टैंक कैपेसिटी हमारी 12000 से 15000 रखने की है। लेकिन सीट हमें, क्योंकि हमने लास्ट बहुत देर में स्टॉक किया था, तो हम ज़्यादा स्टॉक नहीं करना चाह रहे थे। 4000 बच्चा ही हमको लोकल में मिला बड़े साइज़ का, इसीलिए हमने बड़े साइज़ को, बाहर से तो मिल ही रहा था छोटा, लेकिन छोटा उतना टाइम नहीं था कि हम छोटे सीट को रख के उसको ग्रोथ कराते, या इस समय हम उसे हार्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम लोगों ने जो हमें बड़े साइज़ का बच्चा मिला उसको ही हमने इसमें स्टॉक किया था। तो यही अपडेट आपको देना है, वीडियो देखिएगा कि कैसा ग्रोथ है। बीच बीच में आपको वीडियोस में आपको पता चल जाएगा कि कैसा ग्रोथ है, और मैं आपको दिखा दूं कि जिस कुछ मछली देखिए दोस्तों, उस टैंक से हमने इसमें मछलियों को शिफ्ट किया है और थोड़ा थोड़ा करके निकालना है रोज़। अब इसमें देखिए बड़े बड़े साइज़ के फिशेज हैं, देखने में आपको समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा नहीं बची हैं, ये लगता है 8-10 किलो के आसपास होंगे, बाकी सब हमने निकाल दिया है आज सुबह। था ये सीन, उसके बाद जो है 15-20 दिन बाद फिर नवरात्रन के बाद हम इसमें से फिर एक बार हार्वेस्टिंग करेंगे, और इस तरह की हार्वेस्टिंग अब आपको दिसंबर तक रेगुलर देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो हमारे फिशेज हैं, कोई है, थिलापिया हैं, और जो पॉन्ड लाइनर वाला टैंक है रूपचंदा का, उसका भी ज़बरदस्त रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों बायोफ्लॉक में। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि वीडियोज़ देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ काफ़ी अच्छा मिला है, और पार्सल हार्वेस्टिंग करके हम इसमें बायोमास भी बढ़ाना चाह रहे हैं। एक बार नहीं बेचेंगे, जो अब बची हुई मछलियां हैं उनको फिर फिट कराई जा रही है और उसका साइज़ बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि दिसंबर तक थोड़ा थोड़ा करके बेचेंगे और बायोमास भी उसको बढ़ाएंगे जो हमें उस सीड में मिलना था। तो यही अपडेट देना था कि काफ़ी लोग कह रहे थे कि आपके चैनल पर कोई हार्वेस्टिंग का वीडियो नहीं आता है,
तो अब 2 महीने लगभग आपको बीच बीच में कई बार हार्वेस्टिंग का वीडियो देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी मछलियाँ अब तैयार हो रही हैं तो आपको हार्वेस्टिंग भी देखने को मिलेगा। और जिनको भी बायोफ्लॉक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। 10 तारीख को, जो भी 10 तारीख आने वाला है, 10 अक्टूबर को हमारे यहाँ ट्रेनिंग का शेड्यूल है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। उन्हें उन्हें छोड़ दो। हाँ ओके निकाल, हाँ ओके निकाल। हरिकरा 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 हाय हाय हरे छोटा टी खेल निकाल वो गुमा लगा कर दिया, बस छोड़ दे दिया। चले चले चले, हमने हमने देखो फसल बाटी तो छोड़ छोड़ दो निकाल, वो निकाल पड़ता है। काम कर भारे पड़ी हो फिर जैसी इतनी छोटी है। निकाल लाना 20-25 किलो।